लखनऊ गाजियाबाद व आगरा के लिए सीएम योगी का तोहफा, पेयजल सीवरेज के लिए 1057 करोड़ रुपए की योजना मंजूर। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले 3 शहरों लखनऊ गाजियाबाद व आगरा के लिए खजाना खोलते हुए पेयजल व सीवरेज के लिए 1057.42 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग के अमृत 2.0 योजनाओं के जुड़े कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग के अमृत 2 योजनाओं से जुड़े 3 प्रस्ताव पास कर दिए गए। अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2 अमृत 2 के तहत लखनऊ के सरोजनी नगर प्रथम व द्वितीय एवं इब्राहिमपुर वार्ड के सभी परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 246.16 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इससे 24,663 घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। करीब 1.17 लाख की आबादी को फायदा होगा। कैबिनेट ने आगरा में बुंदू कटरा जोन में स्थानीय निवासियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आगरा नगर निगम पेयजल पुनर्गठन योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी लागत 264.32 करोड़ रुपए है। इससे 38,431 घरों को पेयजल कनेक्शन मिलेगा। इस योजना के तहत इन घरों को गंगा का पानी पीने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार गाजियाबाद में 546.94 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे नगर निगम गाजियाबाद के 10 वार्डों गगन विहार, भोपुरा, राजीव कॉलोनी, कुटी अर्थला, संजय कॉलोनी, करेहड़ा, पसौड़ा, गरिमा गार्डन व मौसम विहार को कवरेज की सुविधा मिल जाएगी। नगर विकास विभाग के अमृत 2 के तहत गाजियाबाद सीवरेज योजना करेहड़ा जोन को मंजूरी दी गई है। सीवरेज प्रणाली न होने के कारण यहां का गंदा पानी विभिन्न नालों के माध्यम यमुना व हिंडन नदी को प्रदूषित करता है। सीवरेज योजना के स्वीकृति होने से यहां की जनता को राहत मिलेगी, साथ ही नदियों के प्रदूषण में भी कमी आएगी।